कोरोना महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन में हर वर्ग प्रभावित हुआ है। इसमें लोगों के लिए इंसाफ की आवाज उठाने वाले वकील वर्ग भी काफी प्रभावित हुआ, जिसे लॉकडाउन दौरान आर्थिक तौर पर बेहद नुकसान झेलना पड़ा। जिसके चलते जिला फतेहगढ़ साहिब के सीनियर वकील व बार एसोसिएशन फतेहगढ़ साहिब के पूर्व अध्यक्ष अमरदीप सिंह धारनी ने पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल व पंजाब सरकार से वकीलों की मदद के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की। पंजाब की कांग्रेस सरकार बाकी वर्गों के मामले में तो फेल हुई है ही, वकीलों के मामले में तो यह बिल्कुल ही फेल रही है। यह कहना था सीनियर वकील व बार एसोसिएशन पंजाब के फतेहगढ़ साहिब के पूर्व अध्यक्ष अमरदीप सिंह धारनी का। आइए सुनते हैं इस बाबत वकील साहिबानों ने और क्या कुछ कहा। खास तौर पर वकील साहिबान का वर्ग है उन्हें टोटली निगलैक्ट सरकार वालों कराया गया और उस मसले नूं मैं जिहड़ा हैगा सामने लियाउण दी कोशिश कीती है कि जदों असीं सोसाइटी दे विच गल करदे हां कि किहड़े किहड़े जिहड़े हैगे आ रिप्यूटेड प्रोफेशनज हैगे आ तां उहनां दे विच इह वी इक प्रोफेशन आउंदा। पिछले टाइम दे विच इन्नियां यूनिवर्सिटियां इन्नी मशरूमें हो गई इहदे विच कि इन्ने स्टूडेंट्स अपने जिहड़ा हैगा लॉ करके जिहड़ा हैगा कोर्टां दे विच आ गए और कोर्टां दे विच आउण तों बाद मैं नाकामियां की गल जे करा तो बार कौंसल जी हैगी नवे मुंडिया तो जोड़ा तकरीबन 18,000 के करीब जोड़ा है रुपया लेंदी है और वो रुपये लैके जोड़ा है उन्होंने लाइसेंस इशू कर दी है। पर मैं समझदा कि उन्हां बच्चों जदों अज की ये हालात होए हुए अज के ऐसे समय के विच उन्हां दे लई कोई नहीं सोचता है। पिछले टाइम के बार कौंसल ने कुछ ना कुछ करन की कोशिश की जिदे विच तकरीबन उन्होंने 1900 या 2000 बच्चों तकरीबन 5000 रुपये के करीब वन टाइम पैसे दते तकरीबन 1 करोड़ रुपया जोड़ा है उन्होंने अपने को देन की कोशिश की थी। पर भी ऐसा शर्त रखती जिन्हों के बच्चे आपका कोई वजूद ही नहीं छड़िया। वो एडवोकेट नूं कहा गया कि जे थोड़े को जमीन हैगी है तां वी तुसीं एंटाइटल्ड नहीं हैगे, जे थोड़े कोल थोड़े पेरेंट्स दे विचों कोई नौकरी करदा तां वी तुसीं एंटाइटल्ड नहीं हैगे। मेरा अपना जिहड़ा इह सवाल हैगा कि जे बार कौंसल एक वकील तो जिहड़ा हैगा तकरीबन 20,000 के करीब 18,000-20,000 रुपया लैंदी हैगी है तो उन्होंने चाहिए तो असं उन्होंने पेरेंट बॉडी कहने हैं। पेरेंट का मतलब प्यो का मतलब हुंदा है कि वह अपनी जिहड़ी हैगी है सारी सोसाइटी उन्होंने संभाल के रखे। दूजी गल मैं ये करनी चाहूँगा कि ये पंजाब सरकार हैगी है जिहड़ी बाकी वर्गों लई तां फेल हुई हुई है, वकीलों के मामले च बिल्कुल ही फेल हुई है। मैं थोनों एक दसनी चाहना कि सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब की सरकार के टाइम के विच एक पंजाब एडवोकेट्स वेलफेयर ट्रस्ट जिहड़ा हैगा उन्होंने क्रिएट किया सी जिहदी वन टाइम 1,000 रुपया जिहड़ा हैगा सारे वकीलों ने जमा कराता सी और उस दे तहत वकीलों नूं जिहड़ा हैगा बीमारी की हालत के विच तकरीबन 2 लाख रुपया जिहड़ा हैगा इंश्योरेंस मिलनी सी और डैथ केस दे विच जिहड़ा हैगा तकरीबन 4-4.5 लाख रुपया मिलना सी। और उस तो अलावा मैं थोनों ये दसना चाहुंदा कि बार कौंसल हर वकालतनामे ते नोट्स ते हर वकील तो जिहड़ा हैगा 16 रुपए की टिकट लाउंदी हैगी आ और करोड़ों रुपया जिहड़ा हैगा खात्यां दे विच जमा पिया हैगा। पर किसी इस सरकार की नाकामी इस करके मैं कह रहा है कि उस वेलफेयर जिहड़ा ट्रस्ट सी उस दी नोटिफिकेशन ये सरकार ने करनी सी क्योंकि पिछली सरकार का टाइम लंघ गया सी। इन्होंने उस नोटिफिकेशन भी नहीं की हैगी कि नोटिफिकेशन होने दे उहदे विच कि वकीलों का जिहड़ा हैगा कोई भला हो सके। सो मैं ये दोवें जिहड़ियां हैगियां धिरां इन्हां नूं जिहड़ा हैगा इसलिए जिहड़ा हैगा जिम्मेवार ठहराउणा क्योंकि नंबर एक ते तां इह हैगा कि पंजाब सरकार ने तां वकीलों की बांह फड़ी है नहीं, जदों कि जे देखा जाए तो वकील एक वो सोसाइटी हैगी है जिहड़ी ओपीनियन बिल्डर जिहड़ी हैगी है सोसाइटी हैगी है जिहड़ी लोगों नूं दिशा निर्देश दिंदी हैगी है लोगों लई एक लीह पैदा करदी हैगी है। पर अज जिहड़े नवे मुंडे हैगे आ उहनां दे कोल कोई ऐसा विकल्प नहीं हैगा कि वह जिहड़ा हैगा कचहरी नूं छड के जिहड़ा हैगा होर कित्तियां दे विच कम्मां दे विच छोटे छोटे कारोबारां दे विच पै के अपने जिहड़ा हैगा अपनी जीविका नूं ना चलाउण। और मैं ये समझदा हैगा कि ये एक जिम्मेवार नहीं हैगा, ये बार एसोसीएशन बार कौंसल पंजाब गौरमेंट खास तौर पर कांग्रेस गौरमेंट इन्होंने जिन्होंने कदे देखो मैं एक होर दसना चाहना जदों श्रोमणी अकाली दल की सरकार सी तां श्रोमणी अकाली दल की सरकार ने सारे पंजाब दे विच जिथे जिथे भी एडवोकेट्स के चैंबर बनते सी
ਉਹਨਾਂ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਔਰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਰਗ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਸੱਚ ਕਹੂੰ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਕੇ ਤਮਾਮ ਖਬਰੋਂ ਸੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣੇ ਕੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੀਏ ਸੱਚ ਕਹੂੰ, ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਪਾਏ ਹਰ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਸਭ ਸੇ ਪਹਿਲੇ।